ये रेडियो हमालिया है। आज जनवरी 2023 की 6 तारीख और हमारे स्टूडियो की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। अब आप डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा से खबरें सुनिए। अंजुमन ताजरान बल्तिस्तान का वफ़ 10 जनवरी के लॉन्ग मार्च के हवाले से चलो चलो गिलगित चलो तहरीक पर मशावरत के लिए गिलगित सिटी पहुंच गया है। सदर अंजुमन ताजरान गुलाम हुसैन अथर की सरबराही में वफ्द का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। उधर चलास और सकरदू के ताजरान भी गिलगित पहुंच गए हैं और 10 दिन से जारी एहतजाज में किसी तरह से भी कमी नहीं आ रही। अंजुमन ताजरान अस्तोर का एक इजलास गुज़िश्ता रोज़ हुआ जिसमें 10 जनवरी के लॉन्ग मार्च के हवाले से इंतजाम का जायज़ा लिया गया। अपॉइंटमेंट लेटर इशू ना करने पर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दारुल खिलाफा में चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर शदीद सर्दी में धरना दे रखा है। उनके साथ उनके बच्चे भी धरने में मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान अवेयरनेस फोरम ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करके पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में चलने वाली एहतजाजी तहरीक के बारे में पंजाब में मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में चकसवारी में आटे की सरकारी कोटे में शदीद कमी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 12 अफराद को 20 किलो आटा दिया जा रहा है जो कि 1 महीने के लिए नाकाफी है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सेफ्टी वॉल ना होने की वजह से एक बस मुजफ्फराबाद के करीब गहरी खाई में जा गिरी जिसकी वजह से 6 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने खजदार में पाकिस्तानी मरदूद फौज के खुफिया अदारे के एक अहम आलाकार आफताब शाह को एक हमले में जहन्नम मसाल करने का दावा किया है। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में गवादर में हक दो तहरीक के 25 रहनुमाओं और सैकड़ों कारकुनों को गवादर से तुर्बत पंजगोर और शाल के कैदखानों में मुंतकिल कर दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान ने आईएसएस खुरासान दाइश के 8 कारिंदे मार डाले हैं। चीनी कंपनी शिनचियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी ने अफगान तालिबान के साथ अम्मू दरिया के इलाके में तेल और गैस निकालने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ईरान और आज़रबाईजान की सरहद पर मंशियात स्मगलरों और रियासती बॉर्डर सर्विस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। आप रेडियो हमालिया सुन रहे थे। अगले न्यूज़ बुलेटिन तक के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए।